ओके तो की स्क्रीन शेयर की है मैंने, स्क्रीन मुझे देख के पाओ आपको शो हो रही है अभी कि नहीं हो सर रही। अभी तक शो नहीं हो रही, सर अभी तक शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है ना? जी सर अब बोल। ओके चलिए प्रीवियस क्लास को थोड़ी सी मैं रिवीजन देता हूँ, देन हम आगे वाला काम करते हैं। कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये पहले चार चीज़ों को कवर किया था कि वर्टिकली अगर हमने अपवर्ड शिफ्ट करना हो या डाउनवर्ड शिफ्ट करना हो या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट साइड पर अगर हमने शिफ्टिंग करनी हो किसी भी ग्राफ की तो वो किस तरह से की जा सकती है। अगर किसी फंक्शन है कोई उस फंक्शन में हम एंड पे के ऐड कर दें, कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऐड कर दें, प्लस कर दें बेसिकली कोई कॉन्स्टेंट नंबर, तो उस नंबर के अलोन हमारा ग्राफ क्या होता है अपवर्ड ट्रांसलेट होता है। अगर उसी नंबर को माइनस कर दो, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को माइनस कर दो फंक्शन में से, तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड ट्रांसलेट हो जाता है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि ग्राफ में आप क्या कर देते हो, इसमें इसमें तो पूरे के पूरे फंक्शन में प्लस या माइनस होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना हो तो आप एक्स को रिप्लेस कर देते हो एक्स प्लस के या एक्स माइनस के साथ। लेफ्ट साइड पे जाना हो तो एक्स प्लस के साथ, राइट साइड पे जाना हो तो एक्स माइनस के साथ आपका जो ग्राफ्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ट्रांसलेशन ऑफ सर अ ग्राफ। इस मैंने कहा था कि इससे रेलिवेंट जो मटेरियल है आपको वो हमारी जो बुक है ओपन स्टैक्स की, वहाँ पे मैंने बताया था पेज नंबर 64 पे ये सारा टॉपिक कवर हुआ हुआ है। ठीक है सर, आपने एक बुक पोर्टल पे अपलोड की हुई है वो वर्ड के ना, वो 10th एडिशन जो है कैलकुलस का, तो वो वाली वहीं से करना है ना। नहीं नहीं ये बुक है, इसकी ये दूसरी बुक भी है हमारे पास ओपन के प्री कैलकुलस बाय ओपन स्टैक्स की है, इस बुक से हमने करना है। ये आपको मैंने टीम्स पे अपलोड की हुई है बुक, उस बुक से सर करना कहाँ आप पे की हुई है, टीम्स टीम्स पे। में कहाँ मतलब की हुई सर। टीम्स पे आप देखो ना, चैट पे देखो आपको नजर आ रही है क्या, क्लिक किया कुछ बुक लिखा होगा वहां में। ओके अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाई थी यहाँ पे। एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो टू टाइम अगर अपवर्ड करना है तो उस फंक्शन में जस्ट टू ऐड कर दो। अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन था, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एंड पे अगर आपने सिर्फ प्लस टू ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा कि फंक्शन के ग्राफ को टू टाइम्स अपवर्ड कर देगा। अगर आपने माइनस थ्री उसमें कर दिया तो वो फंक्शन के ग्राफ को थ्री टाइम्स डाउनवर्ड जाएगा। ये एक दूसरी एग्जाम्पल मैंने करवाई थी। अगर लेट्स से ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसमें उसको अगर आप टू टाइम्स डाउनवर्ड लेके आना चाह रहे हो तो उसमें क्या करोगे आप, सिंपली फंक्शन में से टू को हमने माइनस कर दिया, ये नया फंक्शन जो बनेगा ये ग्राफ को टू टाइम्स नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर उसी को जो नया ग्राफ बना उसको अगर टू टाइम आप राइट साइड पर लेके जाना चाह रहे हो तो राइट साइड पर लेके जाने के लिए हर एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस टू के साथ। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स था वहाँ वहाँ पे एक्स माइनस टू हमने पुट कर दिया। तो ये जो नया फंक्शन बना ये क्या करेगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन था उस ओरिजिनल फंक्शन को टू टाइम्स उसने डाउनवर्ड कर दिया और टू टाइम्स ही उसने राइट पे कर दिया। तो ये जो नया फंक्शन बना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये ट्रांसलेटेड फंक्शन है इस ओरिजिनल फंक्शन का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताई थी और ये मैंने कंप्लीट एग्जांपल्स करवाई थी कि एग्जांपल सॉल्व कैसे करनी है और उसके एंड पे ग्राफ कैसे बनाना है और ग्राफ को आपने कंपेयर कैसे करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो, वो कहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन ट्रांसलेट हुआ कहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हुआ। आज का जो हमारा मेन काम है वो इस नेक्स्ट फोर टॉपिक्स को हमने कवर अप करना है। ठीक है, तो उसके ही पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं। रिफ्लेक्शंस के बाद इस चीज़ पे भी आएंगे कि रिफ्लेक्शन, अगर हम नेक्स्ट लेक्चर लिख देते हैं यहाँ पे तो इसमें हमने पढ़ना है आज कि रिफ्लेक्शंस क्या होंगी।
तो लेट्स से अगर हम पहले एक क्विक सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है लेट्स से एंड देयर इज अ एक्स एक्सिस ओवर हियर तो हमारे पास लेट्स से एक ग्राफ है से ये ग्राफ है हमारे पास एक जो कि ओरिजिनली एफ ऑफ एक्स लेट से आप तो कह देते हैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ठीक है तो एक ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वाई एक्सिस है ठीक है इसी पूरे के पूरे ग्राफ को अगर आप यहाँ से उठा के आप इस वाई एक्सिस के अलोंग इसको शिफ्ट करवा दें इसको मिरर इमेज करवा दो इसको अगर लेट से आप ये कह दो कि इसको अगर आप 180 पे घुमा दो इस पूरे ग्राफ को इस ग्राफ को पिक करके अगर आप इसको 180 पे रोटेट करवा देते हो इस पूरे ग्राफ को इस तरह से 180 पे तो नया जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास के हमारे मैं इसको रेड कलर में ड्रा कर देता हूँ जो न्यू ग्राफ बनेगा हमारे पास वो सम हाउ इट वुड बी Like this, ठीक है तो ये नया जो ग्राफ बनाया ये क्या कराएगा जी ये रिफ्लेक्टेड ग्राफ है अब ये रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली किसके अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस जी सर ठीक है ये क्या वाई एक्सिस अगर आप एक मिरर के तौर पे कंसीडर कर लें ये रिफ्लेक्शन क्या हुआ वाई एक्सिस के अलोंग हुआ ठीक है तो ये जो रिफ्लेक्शन जो हुआ इस रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है कि ये बेसिकली क्या कहलाता है हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कहलाता है हॉरिजॉन्टल क्यों कहलाता है क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की थी वो किस में चलेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेगी तो वैल्यूज एक्स एक्सिस में ग्राफ अपनी जगह पूरे का पूरा एक्स एक्सिस के जगह पे वो क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव में वो चेंज हो गया सर वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी इसके साथ साथ सारा कुछ चेंज हो जाएगा बिल्कुल जैसे कि उस ब्लू ग्राफ की वैल्यूज अलग हैं तो रेड ग्राफ की वैल्यूज उससे अलग होंगी डेफिनेटली बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि वो बिल्कुल नया ग्राफ बनेगा ना वो तो ये ग्राफ होगा इस ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन कहलाता है और ये होता कब है कि अगर ओरिजिनल फंक्शन में जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस किससे कर दो माइनस x के साथ रिप्लेस कर दो हर x को माइनस x से रिप्लेस कर दो तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आपको मिल जाता है उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारे पास वर्टिकल रिफ्लेक्शन और वो किस तरह होता है कि अगर इसी ग्राफ को आप इस डायरेक्शन में आप मूव करवा दें यानी कि अगर आप इसका ये मिरर इमेज देखें आप अलोंग द एक्स एक्सिस तो डेट वुड बी लाइक दिस ठीक है कुछ इस तरह का बन जाएगा ठीक है जी तो ये क्या कहलाएगा जी इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और ये बेसिकली क्या होता है जी इसको हम कहते हैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन और ये कब आता है जब आप फंक्शन को ओवरऑल फंक्शन को बस बाहर का कर दो नेगेटिव नंबर से और नेगेटिव से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई करवा दो ठीक है ओवरऑल फंक्शन के बाहर इसमें क्या हुआ इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करवाया गया फॉर द हॉरिजॉन्टल ये क्या था जी हॉरिजॉन्टल था रिफ्लेक्शन ठीक है और ये जो ग्रीन में आया डेट इज ओवर ओवर वर्टिकल रिफ्लेक्शन ठीक है तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के अलोंग बनेगा क्या कह रहे हो ये भी x एक्सिस के अलोंग बनेगा हाँ लेकिन इसमें क्या होगा कि ये देखो ना कि इसमें y की वैल्यूज नेगेटिव में चली गई है ना इसमें जो हमारे पास वर्टिकल रिफ्लेक्शन है उसमें हमने x एक्सिस को एज अ मिरर लिया जो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है उसमें आपने y एक्सिस को एज अ मिरर लिया ठीक है ओके सर ओके सर सही बात है
तो मैथमेटिकली आप उनको इस तरह से देखेंगे। अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे तो वो एक्स एक्सिस होगा, और हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो वो वाई होगा। हाँ, रिफ्लेक्शन वो वाई का लॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो वो अलोंग किसके हो रहा होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन अबाउट किसके होता है, y एक्सिस होता है। अगर वर्टिकल रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो वो रिफ्लेक्शन अबाउट क्या होता है, x एक्सिस होगा सर, ठीक है। तो आप बस ये समझना कि आपने y एक्सिस को एक मिरर के तौर पे कंसीडर करना है, और उसके अलोंग दूसरा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। यानी कि ये तो होगी ग्राफिकल डिस्कशन। मैथमेटिकली क्या होगा कि हमने क्या देखा कि अगर कोई भी फंक्शन है, कि लेट्स से हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को आप क्या करना चाह रहे हो, आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आप इसे करना चाह रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हर x को माइनस x से रिप्लेस करवाया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा कि f ऑफ माइनस x दैट वुड बी 2 इनटू माइनस x का होल स्क्वायर प्लस इनटू माइनस x एंड माइनस 1, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये आ गया हमारे पास f ऑफ माइनस x। तो ये हमारे पास ये था जी ओरिजिनल फंक्शन था, और ये उसकी क्या मिल गई हमें, रिफ्लेक्शन मिल गई। कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। बस सिर्फ साइन ही चेंज हुआ है यहाँ पे। हाँ, साइन चेंज किया ना फंक्शन में, ये तो ऊपर हमने देखा था। ये देखो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन में क्या किया हमने, x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे x है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस x से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे वही काम किया है हमने, जहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस x पुट कर दिया। ओके सर, ठीक है। और जब आप दूसरे वाले ग्राफ में f की वैल्यू जो है उसको चेंज करेंगे, सर f की वैल्यू पूरे फंक्शन के बाहर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर आप वर्टिकल रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो क्या करोगे, माइनस f को प्लस कर दोगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई करा देंगे सर। तो हाँ, तो बाहर पूरे को किससे, माइनस साइन से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो यू विल गेट माइनस टू एक्स के माइनस एक्स एंड प्लस वन। तो ये जो नया फंक्शन मिला, इसको आप जी ऑफ एक्स भी कह सकते हो। तो ये जो फंक्शन है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, डजंट मैटर उस फंक्शन जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, जिस मर्जी फॉर्म में लिखा हो, कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आपने जस्ट अगर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अगर आपको क्या कहते हैं वर्टिकल रिफ्लेक्शन चाहिए तो ओवरऑल फंक्शन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास का क्या मिल जाएगा आपको, उसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात की यहाँ तक? जी सर, ओके सर, ओके ओके। अगर कोई एक और एग्जांपल भी हम लिख दें, तो लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो इसको भी अगर आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हो, तो दैट वुड बी f ऑफ माइनस x, 4 ऑफ माइनस x का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, एंड वी विल गेट f ऑफ माइनस x ओवर हियर। तो ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये आपको रिफ्लेक्शन मिल गया हॉरिजॉन्टल। यानी कि इसका जब ग्राफ बनाओगे ओरिजिनल फंक्शन का, और फिर उसी का इसके साथ ग्राफ बनाओगे, तो वो दोनों आपको एक दूसरे का रिफ्लेक्शन नजर आएंगे ओवर द वाई एक्सिस। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन की बात करोगे
तो वो बेसिकली ओवर द वाई एक्सिस होता, तब आप वाई एक्सिस को एज अ मिरर कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर आप वो करना चाहें कि 4x³ + 2x² + 5x - 7, अगर आप इसको वर्टिकल इसका रिफ्लेक्शन देखना चाह रहे हैं तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द होल फंक्शन विद द नेगेटिव माइनस वन सर। तो जरूरी है सर ये लास्ट में कि माइनस वन से करवाना है या किसी भी नंबर से हो सकता है? नहीं नहीं, अगर रिफ्लेक्शन की बात की गई है तो मस्ट है कि वो नेगेटिव नंबर से होगा, नेगेटिव माइनस वन से होगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास बना, इस फंक्शन ने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? वर्टिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ गई है जी सर? आगे सर ग्राफ बनाना आपने खुद बनाना है, ये मैं आपको पहले सीख चुके हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शिफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ and sketch three of them on a single xy plane. यानी कि आपको वहाँ पे जी ऑफ एक्स का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का भी और एफ ऑफ एक्स का भी, और तीनों के अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे और फिर उन तीनों को एक ही जगह पे आपको स्केच करना पड़ेगा, एक ही एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको स्केच करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ही ग्राफ पे तीनों बना सकते हैं? हाँ, एक ही ग्राफ तीनों बनाने हैं, बनाने सकते, बनाने जरूरी है। जैसे ये मैंने देखा बनाया हुआ है कि रेड वाला ओरिजिनल ग्राफ था और ब्लू वाला उसका ट्रांसलेटेड ग्राफ था। इसी तरह आज की क्लास में हमने क्या किया कि ब्लू वाला ओरिजिनल ग्राफ था और रेड और ग्रीन उसके क्या थे, रिफ्लेक्टेड ग्राफ थे, तो वो तीनों एक ही जगह पर आपने बनाने हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हमने की है, तो इसमें तीन कौन कौन से होंगे? एक तो ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि ये है हमारे पास आपको बनाने पड़ेंगे, और ये एक प्रॉपर एक लॉन्ग हो सकता है हमारे पास कि आज जिसमें आपने इन तीनों को एक ही जगह पे ड्रा करके बताना है कि रिफ्लेक्शन ग्राफ कौन कौन से इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, वालेकुम सलाम बच्चे, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सॉरी सर, मैं मुझे याद नहीं था कि लेक्चर जल्दी होना शुरू, मैं 11 बजे का सोच रहा था कि 11 बजे होना है। कोई नहीं, तो फर्स्ट क्लास ही आज। ओके ओके जी, रिफ्लेक्शन वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारा नेक्स्ट जो हमारा इसमें आज का जो ग्राफ से रिलेटेड चीज है वो है कि डिटरमाइनिंग इवन एंड ओड फंक्शंस, ठीक है जी। इवन एंड ओड फंक्शंस को हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई फंक्शन इवन है या ओड है वो किस तरह से डिसाइड किया जा सकता है। तो उसकी मैथमेटिकली जो चीज़ है दैट इज़ वेरी सिंपल, कि मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं आप कि कोई भी फंक्शन इवन तब कहलाता है, कोई भी फंक्शन इवन तब कहलाता है जब आप उस फंक्शन को इनके आप उसमें फंक्शन कोई भी है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसमें जब एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो तो दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, सेम आ रहे, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, हमेशा इवन फंक्शन कहलाता है। लेकिन वो सर मैं समझ लगी सर, दोबारा बता सकते हैं? मैं बताता हूँ अभी कि जब भी किसी भी फंक्शन में आप उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और वो फंक्शन दोबारा से आ जाए सेम ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाए तो वो होता है इवन फंक्शन। लेकिन अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए और ओरिजिनल फंक्शन तो आए लेकिन ओवरऑल नेगेटिव साइन के साथ आए तो दैट इज ओड फंक्शन, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल अगर हम सॉल्व करें तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to x cube plus 2x, ठीक है।
इसमें जब एक्स को आप रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ तो वी विल गेट एफ ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस एक्स होल क्यूब प्लस टू इंटू माइनस एक्स. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स. अब यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स. अब माइनस बाहर कॉमन आ गया और अंदर वाला पूरा क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है. ऐसे ही है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये देखो ये क्या था, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स था, ये क्या बना हमारे पास एक्स क्यूब. अगर नेगेटिव कॉमन हो तो हाँ ये प्लस ही बनेगा. ये देखें नेगेटिव तो यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लिया ना हमने. जब ये प्लस बन गया तो इट, अब ये क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है. तो जब नेगेटिव साइन के साथ फंक्शन बन जाए तो ये क्या होता है, ये देखें बाहर अगर नेगेटिव साइन आ जाए माइनस एक्स पुट करने से तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, ओड फंक्शन आता है. क्योंकि इस चीज को आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव साइन को अगर आप उस साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. तो सिंपल फिलॉसफी ये है कि अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और सिंप्लीफाई करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन दोबारा बन जाए लेकिन बाहर ओवरऑल नेगेटिव साइन आ जाए, इसको क्या कहते हो आप, ओड फंक्शन कहते हो, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो इसको आप कह सकते हैं कि सो इट्स एन ओड फंक्शन, ठीक है. बात समझ आ गई? जी सर. अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन. ये एक फंक्शन है, अब इसको अगर आपने चेक करना हो इज इट इवन और ओड तो क्या करोगे आप, कि एक्स को रिप्लेस करोगे पहले माइनस एक्स से, वी विल गेट एफ ऑफ माइनस एक्स ओवर हियर and 5 into minus x ki power 4 plus minus x square and there would be minus 7 over here. ठीक है, अब ये क्या आ गया, 5x 4 plus x square minus 7. तो ये देखो ये same to same function दोबारा आ गया, ठीक है. तो ये है जी f of minus x, f of minus x किसके इक्वल आ गया, f of x के इक्वल आ गया. सर जो 5 है उसके साथ माइनस आएगा. माइनस क्यों आएगा, माइनस क्यों आएगा बच्चे? ओ प्लस आएगा, सॉरी सर. ओके, तो ये हमारे पास हमने देख लिया कि एक हमने इवन की एग्जांपल देख ली, एक हमने और की एग्जांपल देख ली. इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स प्लस टेन. तो अगेन चेक करना हो कि ये इवन है या ओड है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स 7 into minus x minus into minus x plus 10 and we will get 7 x to the power 4 plus x plus 10. अब बताओ ये कौन सा फंक्शन बना, इवन या ओड? ओड. कैसे? ओड की कंडीशन क्या होती है? सर ऑड की ओरिजिन फंक्शन है वो माइनस के साथ आ जाए. माइनस के साथ आया तो यहां पे माइनस साइन आया बाहर ओवरऑल? नहीं सर, नहीं आया सर. इसमें माइनस साइन नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या था, 7x4 - x + 10. तो 7x4 + x + 10 सिर्फ माइनस x का एक साइन, एक टर्म का साइन चेंज हुआ है, ओवरऑल बाहर माइनस नहीं आया. जैसे पहले वाला का पैसे अगर आए तो वो ऑड होगा, बाकी अगर मतलब अंदर थोड़ा सा चेंज हो तो फिर वो नहीं होगा.
अब ये पता क्या है, ये इस केस में जब आपके पास, क्योंकि हमें अपनी कंडीशन में तो कोई एक फुलफिल चाहिए होती है, यहाँ तो पूरा का पूरा फंक्शन बने, या पूरा फंक्शन तो बने लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बने, तो ये जो फंक्शन है दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर आप नेगेटिव साइन बाहर ले आएंगे तो अंदर फंक्शन नहीं बन रहा, इवन कि ये भी पूरा एफ ऑफ एक्स नहीं है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि नाइदर इवन नॉर ओड, ये ना तो इवन है ना ही ये ओड है। तो इस तरह के फंक्शन okay, भी आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन और ओड में इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन बनना चाहिए। वो बात की बात है कि बाहर नेगेटिव साइन आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन ही नहीं बन रहा फिर इवन ओड का सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट इट? जी सर, ओके सर, ओके। तो ये एक और हमारी प्रॉपर्टी होगी कि इवन और ओड फंक्शंस के बारे में आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल सी कंडीशन है, इस कंडीशन को आपने जस्ट अप्लाई करना है मैथमेटिकली, और आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन हमारे पास ओड होगा, ठीक है। ये हमने रिफ्लेक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब इसमें जो हमारा इस टॉपिक में जो लास्ट चीज रह गई है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेच, वर्टिकल कंप्रेशन, होरिजेंटल स्ट्रेच एंड होरिजेंटल कंप्रेशन, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया था। इस पोर्शन को आज हमने कवर अप करना है, ठीक है जी। ये है जी हमारा आज का मेन चीज जिसको हमने कवर अप करना है। आप जो थर्ड रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, इवन रोड देख लिया, और आज हम देखेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज में कि स्ट्रेच कब कैसे करना है और कंप्रेस कैसे करना है, ठीक है जी। ओके सर, स्ट्रेच और कंप्रेस, ये देखो ये है हमारी मेन डिस्कशन के ट्रांसलेशन के लिए हमने क्या किया था कि फंक्शन में कोई नंबर प्लस या माइनस करते थे, वो यहाँ तो एक्स को रिप्लेस करते थे एक्स प्लस समथिंग के, या ओवरऑल फंक्शन के एंड पे प्लस या माइनस किया जाता था। कि ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ प्लस या माइनस की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, जिससे उसका ग्राफ की शेप तो सेम रहती थी लेकिन उसकी पोजिशन चेंज हो जाती थी, दैट इज द ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेच या कंप्रेस की बात करते हो तो इसमें ग्राफ की पोजीशन चेंज नहीं की जाती बल्कि ग्राफ की शेप चेंज की जाती है, ग्राफ को यहाँ स्ट्रेच किया जाएगा यहाँ उसको कंप्रेस किया जाएगा, तो उसकी शेप चेंज की जाएगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेच या कंप्रेशन। तो ये वर्टिकली यानी कि वर्टिकल मीन क्या अलोंग वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में मुराद क्या है कि अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस दोनों के अलोंग आप किसी भी ग्राफ को स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और करना कैसे है, सिंपली कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, ठीक है, तो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लोगे तो उसका ग्राफ क्या बनेगा जी, कुछ तो उसका ग्राफ बनाए हम तो लेट्स से मैं रैंडमली ड्रा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है जी, जी सर, ठीक है जी, जी सर। अब जब ये ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसको स्ट्रेच करना है जब हमने, तो स्ट्रेच से मुराद क्या है कि अब पहला अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे वर्टिकल स्ट्रेच की। वर्टिकल स्ट्रेच क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है मैथमेटिकली उसके बाहर उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, के से, यानी कोई रियल नंबर है के, तो उतने टाइम वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स है
एक्स के है तो इसके बाहर अगर लेट्स से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ कि हमारे पास 2 × f(x) है, 2√3 लिख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम 3 लिख लेते हैं, 3 × f(x) कर देते हैं, तो डेट वुड बी 3x2। तो हमारी इस फिलोसफी के मल्टीप्लाई किया फंक्शन के साथ एक्स, उसने क्या किया कि आपके फंक्शंस को 3 times वर्टिकली स्ट्रेच कर दिया, यानी कि जो भी ओवरऑल फंक्शन में चेंज करते हो वो हमेशा बेसिकली वाई के रोंग गेन होता है। तो इसने ग्राफ को क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच से मुराद कि जस्ट इस ग्राफ को उसने अलोंग वाई एक्सिस इस तरह से ग्राफ को खींच दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्ट्रेच हो गया ग्राफ आपका ओरिजिनल ग्राफ से। तो ये आ गई हमारे पास जस्ट ये, अगर मैं एक नया ग्राफ लेट से ड्रा करता हूँ तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसको आपने जस्ट खींच के वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैं स्केच नहीं कर पाया, लेकिन फिलॉसफी आप समझ लो इसकी कि आपने जस्ट इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ से पिक किया इस ग्राफ को और आपने ऊपर को इसको खींच दिया अलोंग वाई एक्सिस इस ग्राफ को स्ट्रेच कर दिया। जी जी सर, इसको फिर हम लत से बनाएंगे स्ट्रेच ग्राफ को। हाँ वो नया बनेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ अलग बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अलग है और 3x स्क्वायर का ग्राफ डेफिनेटली अलग बनेगा, ठीक है। इसको स्ट्रेच की कांसेप्ट को आपको मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से फंक्शन के अंदर, कि अगर हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है, लेट्स से ओवर हियर देयर इज अ प्लस वन एंड ओवर हियर देयर इज अ माइनस वन, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक वेव जा रही है, ठीक है जी। तो जब आप लेट्स से कि ये ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का, अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो डेट वुड बी 3 cos x। तो ये क्या होगा कि ग्राफ को 1, 2, और 3 times हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। उसके पॉइंट्स वही रहे लेकिन उसको आपने खींच के 3 times क्या कर दिया, आपने उस ग्राफ को आपने स्ट्रेच कर दिया, समझ रहे बात। जी सर, जी सर। तो ये देखें इसका, इनके ये स्टार्टिंग जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 122 को वो वही है, लेकिन ग्राफ को आपने वैसे खींच के स्ट्रेच कर दिया। तो जब भी आप ये हुआ जी वर्टिकल स्ट्रेच, तो इस ग्राफ के साथ भी वही बिहेवियर हुआ, यानी क्योंकि ये ऊपर को इन्फिनिटी को जा रहा, इसलिए आप यहाँ पे उस तरह से विजुलाइज नहीं कर मैं करवा पाया। तो लेकिन ये बेसिकली आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। अगर आपने वर्टिकली कंप्रेस करना हो, अगर वर्टिकली आपने कंप्रेस करना है, तो फिर क्या होगा कि जो रियल नंबर है वो क्या होना चाहिए, 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखना कि 0 और 1 से मुराद क्या है, कि अगर ये 3 लिखा था तो ये डायरेक्टली ये बात थी कि 3 times उसने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप इसको 2 times कंप्रेस करो, 2 times कंप्रेस करो, तो कंप्रेस के लिए क्या 0 से 1 के दरमियान, तो 2 times के लिए फिर क्या करते होते हैं, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते, क्योंकि कंप्रेस और स्ट्रेच में दोनों सूरतों में हम करवाते हैं तो मल्टीप्लाई है, लेकिन देखना ये कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा। तो 0 और 1 के दरमियान जो अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको हमारे पास ग्राफ को स्ट्रेच कर देगा। यानी कि अगर ये ग्राफ था ओरिजिनल, तो नया जो ग्राफ है अगर मैं करूँ f(x) = 1/2 x², तो डेट वुड बी 0.5 x², तो ये जो नया ये हमने हमारे पास आया, तो ये 1/2 जो है, ये 1/2 बेसिकली ग्राफ को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है वर्टिकली 2 times, ठीक है। तो 1/2 को आप पॉइंट में 0.5 लिख सकते हो, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिकली 0 और 1 के दरमियान है, डेट इज 1/2, और उसने ग्राफ को क्या किया हमारे पास यहाँ पे सर, ठीक है।
जी बच्चे सर, सर जो नंबर 0 और 1 से मल्टीप्लाई होगा वो कंप्रेस होगा ग्राफ उसका। हाँ हाँ, अगर आप कंप्रेस पे वाना तो 0 और 1 के दरमियान में नंबर पिक करना होता है हमेशा, ठीक है। अगर 10 टाइम कंप्रेस करना तो 1/10 लिख दो, 100 टाइम करवाना तो 1/100 लिख दो, ठीक है। कंप्रेस करवाने के लिए, अब कंप्रेस करने से क्या मुराद है कि यही जो ग्राफ है वो रहा तो एज इट इज, लेकिन उसको हमने कंप्रेस कर दिया कुछ इस तरह से कर, ठीक है। देखो स्टार्टिंग, अब इसमें इंपॉर्टेंट कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग में ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये देखो वो दोनों क्या है, सेम है, जिस ग्राफ की हमने उसको जस्ट कंप्रेस और स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो ये हमारी वर्टिकली हमने इसको क्या कर दिया, हमने कंप्रेस करके भी देख लिया और इसको स्ट्रेच करके भी हमने देख लिया। अब हॉरिजॉन्टल अगर करना है, अगर हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हो तो फिर क्या होगा कि ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे पास, लेट से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इसमें इसकी बात करूं तो इस केस में हमने क्या किया था यहां पे कि हमने 1/2 एफ ऑफ एक्स किया था, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 cos x। तो ये क्या हुआ था हमारे पास जी, वर्टिकली कंप्रेस, और ये क्या हुआ था वर्टिकल स्ट्रेच। अब इसी फंक्शन को अगर हॉरिजॉन्टली कंप्रेस और स्ट्रेच करना हो तो ये देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करने के लिए, अब इसमें ऑपोजिट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करने के लिए बाहर ओवरऑल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया जाता, जहां जहां पे एक्स है उस एक्स को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के रिप्लेस करवाना है। अब इसमें अगर स्ट्रेच करवाना है तो नंबर क्या होना चाहिए, 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे ग्राफ को, हमारे इस ग्राफ को आप स्ट्रेच करवाना चाह रहे हैं लेट्स से 5 टाइम्स, तो क्या करोगे कि अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स को रिप्लेस कर दोगे 1/5x से, तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स। तो सर ये जो अभी आपने बताया कि x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये किस में करना है, x में, तो ये क्या आ रहेगा इसमें नया फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ 1/5x दैट विल बी इक्वल टू 1/5 इनटू x का होल स्क्वायर एंड वी विल गेट 1/25x2। तो ये जो नई टर्म आएगी, ये नया फंक्शन आएगा, ये क्या करेगा कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन को 5 टाइम्स क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर देगा। हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करने से क्या मुराद है कि उसको आप यहां से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने क्या किया, बेसिकली कि इसी ग्राफ को पिक किया तो हॉरिजॉन्टली आपने इसको इनसाइड आपने इस तरह से इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल से मुराद क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो लेट्स से ये ब्लू वाला हमारे पास इसका ओरिजिनल ग्राफ था, ठीक है, ब्लू वाला हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ था, उसको स्ट्रेच करके आपने किस में कर दिया, रेड वाले ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, इनकी आपने इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच किया, तो हॉरिजॉन्टल मीन कि आपने बोथ साइड पे इस तरह आपने उसके ऊपर फोर्स पुश की और उसको आपने स्ट्रेच कर दिया, और जितने भी टाइम्स करना होगा उतने टाइम्स आपने एक्स को रिप्लेस करना है। मैं बार बार ये चीज पे फोकस कर रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं कि जब भी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं, व्हाटएवर, जब भी चेंज एक्स एक्सिस के अलोंग होगा एक्स की वैल्यू, हर एक्स की वैल्यू रिप्लेस होती है उस नंबर के साथ, लेकिन जब वर्टिकली बात कर रहे होते हैं तो फिर डायरेक्टली हम उस नंबर को पूरे के पूरे फंक्शन के एंड पे प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, हमने इसको क्या करवा दिया जी, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करवा दिया। उसके बाद ये यानी कि अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जब हुआ, स्ट्रेच से क्या मुराद था कि ये हमारा रेड वाला क्या था, ओरिजिनल ग्राफ था, और ये ब्लू वाला हमारा क्या था जी, स्ट्रेच्ड ग्राफ था, ठीक है। ये एरो मैंने गलत बना दिए कि हमने बेसिकली स्ट्रेच किया है तो आपने इसको इस डायरेक्शन में आपने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। जब कंप्रेस करेंगे तो देन क्या होगा कंप्रेस में कि आपने ग्रेटर देन 1 नंबर से
किसी भी नंबर अगर मैं टू टाइम इसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना चाह रहा हूँ तो क्या करोगे आप फिर, कि टू टाइम करना चाह रहे हैं, अगर आप टू टाइम हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्या करोगे कि एक्स को टू एक्स से रिप्लेस कर दोगे, तो वी विल गेट एफ ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर। तो ये जो नया हमारे पास वैल्यू आएगी ये ग्राफ को क्या करेगी, ये ग्राफ को कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करेगी तो ग्राफ आपका और ज्यादा अंदर को आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, ओके सर। ये कुछ इस तरह से ही है हमारे पास नया ये ग्राफ, इसको अगर आप कंप्रेस कर दें फर्दर तो ये हमारे पास जो ब्लैक में मैंने ग्राफ ड्रा किया ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारा कंप्रेस्ड ग्राफ है। ओके सर, समराइज बात की जी सर। तो ये आपको टर्म्स याद करनी पड़ेंगी, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने स्ट्रेस या कंप्रेस में क्या किया जाता है, इवन एंड ऑड में क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन में मैथमेटिकली क्या चेंज किया जाता है, ग्राफ किस तरह से बनते हैं, एंड अगर ट्रांसलेशन करनी हो तो ये हमारी ये पहले चार जो टर्म थी वो ट्रांसलेशन कहलाती हैं और ये कंप्रेशन और स्ट्रेशन है। इन जनरल इस पूरे के पूरे सारा के सारे काम को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और आपको ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्मेटेड ग्राफ सारे के सारे एक ही जगह पे आपको बनाने आने चाहिए जो कि हमारा मेन टारगेट है, और इसकी प्रैक्टिस जितनी भी है वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। इवन फंक्शन, ओड फंक्शन, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और एक और चीज़ हमने देखी है, अब हमने रिफ्लेक्शन देखी है। तो ये सारे के सारे आपको ये पता होने चाहिए कि किसी भी ग्राफ का आप किस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी सर, जी सर। ओके, उसके अलावा लास्ट एक चीज है सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, के सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, कि अब इसको ग्राफ से पहले समझ लें, देर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब हमारे पास अगर आप पैराबोला की बात करो, ये यदि पैराबोला हमारे पास, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज दे रहा है या वाई एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज दे रहा है। और नेक्स्ट ग्राफ एक और ड्रा करता हूं मैं, नेक्स्ट ये ग्राफ है हमारे पास कुछ सम हाउ लाइक दिस, कुछ ऐसे ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ये एक ग्राफ है, ठीक है जी, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन को हम लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं।
symmetric about origin. तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे कि अगर ये एक y एक्सिस है और ये एक x एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है जी। हमारे पास ये जो है पहले वाला, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट, अच्छा इसमें मैंने x एक्सिस लिखा है तो दैट इज एक्चुअली अबाउट y एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। क्यों? कि इसमें ये देखो, तो अगर हम y को एज अ मिरर ले रहे हैं तो इसके y एक्सिस के राइट साइड पे और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आपको ग्राफ क्या मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप y एक्सिस के ऊपर एक शीशा रख दो, कि मिरर रख दो, उसके ऊपर आपको मिरर इमेज जो मिलेगा वो बेसिकली एग्जैक्ट उसी ग्राफ के ऑपोजिट मिलेगा, और ये उसका क्या बन जाएगा, एक दूसरे का ये मिरर बन जाएंगे। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक हैं अबाउट y एक्सिस, ठीक है, कि जिस एक्सिस को मिरर बना के आप ग्राफ का दूसरा हिस्सा देख सकें तो वो क्या कहलाता है हमारे, बस उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग हमारे पास ग्राफ क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। और मैथमेटिकली जो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं उसमें अगर x और y जो होते हैं उन्हें अगर रिप्लेस कर दिया जाए, हमारे पास x को माइनस x के साथ और y एज इट इज रह दिया जाए, लेकिन जो भी फंक्शन गिवन है ना उसमें x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो हमारे पास अगर फंक्शन सेम आ जाए एंड पे, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और इसी तरह अगर हमारे पास x और y हैं और x को और y को अगर आप रिप्लेस करें, यानी कि x की जगह पे क्या आ रहे है हमारे पास अगेन एज इट इज x, और इधर क्या आ जाएगी माइनस वाई आ रहे, यानी कि y की जगह माइनस वाई पुट करने से और x की जगह पे x पुट करने से हमारे पास फंक्शन सेम बन जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन में क्या होता है कि अगर आप x और y की जगह पे फंक्शन में माइनस x पुट करें और माइनस y पुट करें और फंक्शन क्या आ रहे सेम आ रहे, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहलाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं f of x is equal to x cube, ये जो ग्राफ आपके सामने ये कर्व मैंने बनाई हुई है ये किसकी है, x क्यूब की कर्व है, इसको हमने क्या क्या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। चेक करना हो तो कैसे करो, वैसे भी अगर आप देखो तो ओरिजिन के ऊपर और ओरिजिन के नीचे ग्राफ एग्जैक्टली क्या है, सेम टू सेम है, एक दूसरे का मिरर इमेजेस है, ठीक है, तो ये क्या कहेगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहलाएगा। मैथमेटिकली अगर इसको चेक करना हो तो कैसे है कि आप क्या करोगे कि x को माइनस x से रिप्लेस करो और y को माइनस y से रिप्लेस करो, तो अगर दोबारा तो यही फंक्शन बन जाए तो हम क्या कहते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। हम f of x को लिख सकते हैं y, y is equal to x cube है, y की जगह क्या पुट करेंगे हम माइनस y और x की जगह पे माइनस x का क्यूब, वी विल गेट माइनस y is equal to माइनस x cube, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी विल गेट अगेन y is equal to x cube, तो हमें सेम फंक्शन मिल गया, तो इट मीन टू से हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो दोबारा से वापस आ गया, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, ठीक है ये। इसी तरह इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन किसका था, ये वाला फंक्शन था हमारे पास f of x is equal to x square का, तो इसमें इसकी मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कि अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस कर दें और y को y से रिप्लेस कर दें, तो अगर एंड पे फंक्शन सेम आ जाए तो फिर वो ग्राफ क्या शो करता है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो अगर इसको हम करें तो y is equal to x square है, तो y की जगह y और x की जगह पे माइनस x का स्केयर लिख देंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट अगेन y is equal to x square, तो ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज का बना हुआ राइट साइड पे, कि इसके जो मैथमेटिकल जो इसकी होती है हमारे पास इज इक्वल टू
एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होता है, जो राइट ओपनिंग पैराबोला होता है वो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होता है। इसमें एक्स को एक्स से रिप्लेस करो और वाई को वाई से रिप्लेस करोगे, यानी कि एक्स वुड बी रिप्लेस विद एक्स एंड वाई विल रिप्लेस विद माइनस वाई, तो एक्स की जगह पे एक्स आएगा और माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा और अगेन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। तो ये इस चीज को प्रूव कर देगा कि ये जो फंक्शन है जो हमारे पास वो किसके आ रही है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सिमेट्रीज का भी आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है या किसके अलोंग सिमेट्रिक नहीं है, तो सिंपली क्या करो कि ये इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करके देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कोई एक हो रही हो तो उसके अकॉर्डिंग कह दो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो और फंक्शन दोबारा सेम मिल जाए तो वो सिमेट्रिक क्या होता है अबाउट वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस का लॉन्ग चेक करने के लिए एक्स माइनस एक्स रिप्लेस होता है, लेकिन अगर आपने एक्स एक्सिस का लॉन्ग सिमेट्रिक चेक करनी है तो वाई को माइनस वाई से आप रिप्लेस करते हो, और अगर आपने सिमेट्री का अबाउट ओरिजिन देखनी है तो एक्स भी माइनस एक्स और वाई भी माइनस वाई से रिप्लेस होता है। एंड पे आंसर देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपने चेक करना होगा क्वेश्चन आ रहे कि बताओ कि ये फंक्शन किसके अलोंग सिमेट्रिक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन बारी बारी अप्लाई करके चेक करनी पड़ेंगी कि कौन सी कंडीशन वैलिड आ रही है। जो कंडीशन वैलिड आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपने बता देना है कि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई है एक्स है या ओरिजिन है। सिमेट्री का जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि सिमेट्रिक से मुराद क्या होता है कि बेसिकली उस पर्टिकुलर लाइन के अगर एक्स के अलोंग कह रहे हो, वाई के अलोंग कह रहे हो या ओरिजिन के अलोंग कह रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट या लाइन के अलोंग बेसिकली आपका ग्राफ सेम बिहेवियर शो कर रहा होता है। उसकी बोथ साइड्स, ठीक है, समझ आ गई बात। तो कि और ये और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है ग्राफ किसी भी अलोंग सिमेट्रिक ना हो, जरूरी नहीं है ग्राफ हमेशा ही सिमेट्रिक आए, सम टाइम सिमेट्रिक नहीं भी होता, तो वो कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। Yes. ओके बोलते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आपका हम इनके सारी ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए डिफरेंट चीजें थी और ग्राफ को समझने के लिए मैनिपुलेशन दिए, ग्राफ को किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड ग्राफिकली बिहेवियर कैसे कर सकते हो। तो इसको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से आपको मिल जाएंगे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जितने भी हैं जो आपको बुक मैंने शेयर की हुई है, ये PDF मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है सर। मेरी अटेंडेंस भी अटेंडेंस देखता हूँ मैं, पता नहीं बचत हो गई तो टाइम ना खत्म हो गया। ओके टीम्स टू थ्री कैलकुलस ओके बच्चे, फाइल भी आपको मैंने शेयर कर दी, बुक आपकी आ रही टीम्स पे अपलोडेड है, तो अपने प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स।